माई YouTube चैनल किड्स जोन स्टडीज। आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्री पोजिशन। प्री पोजिशन भी बोल सकते हैं या फिर पोजिशन वर्ड्स बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम प्री पोजिशन क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे, प्री पोजिशंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे ये वर्ड्स में यूज होते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री पोजिशन क्या होते हैं? तो प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं विच लिंक्स नाउन्स एंड प्रोनाउन्स टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जो नाउन और प्रोनाउन को अदर वर्ड्स के साथ ज्वाइन करते हैं सेंटेंस में, लिंक करते हैं या मिलाते हैं नाउन और प्रोनाउन को अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस के अंदर, तो वो प्रीपोजिशन होते हैं। या हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नाउन और प्रोनाउन की पोजिशंस को बताने वाले वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। इन, ऑन, अंडर, बिटवीन आर द वर्ड्स विच टेल्स अस वेयर इज समवन और समथिंग इज। तो जो इन, ऑन, अंडर, बिटवीन ये तीन चार वर्ड्स होते हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि कहाँ पे कौन है या क्या चीज कहाँ पे रखी है, उनकी पोजिशंस के बारे में बताते हैं। देयर फॉर दीज आर प्री पोजिशन। इसीलिए ये प्री पोजिशन है क्योंकि ये हमें किसी की पोजिशंस के बारे में बता रहे हैं। जैसे ओन, ओन का मतलब होता है ऊपर, यूज टू इंडिकेट सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के सरफेस के बारे में बताने के लिए। जैसे कि द पेंसिल इज ऑन द नोटबुक, तो पेंसिल है नोटबुक के ऊपर रखी हुई है तो हम ऑन का यूज करेंगे। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज एग्जैक्टली बिलो इट, लाइक पेंसिल नोटबुक के नीचे रखी हुई है तो वो इसके नीचे है तो अंडर द नोटबुक। इन, इन का मतलब होता है अंदर, यूज्ड विद इन और इनसाइड ऑफ एनीथिंग, लाइक कुछ जैसे रूम के अंदर है, सोफा इज इन द रूम तो वो इन यूज होगा अंदर के लिए कि सोफा रूम के अंदर है। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, यूज टू इंडिकेट समथिंग इज द बैक ऑफ समथिंग, मतलब कुछ चीज किसी के पीछे रखी हुई है तो हम बिहाइंड का यूज करेंगे। बिटवीन, बिटवीन इज इंडिकेट समथिंग इज इन द सेंटर ऑफ टू थिंग्स, लाइक टू थिंग्स है हमारे पास, उनके बीच में जो कुछ चीज रखी हुई है वो उनके बिटवीन है, उनके मिड में है तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। इनको हम कुछ इमेजेस के थ्रू करते हैं, लाइक बॉल सरफेस के ऊपर है, बॉक्स के ऊपर है तो द बॉल इज ऑन द टेबल तो हम ऑन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉल बॉक्स के ऊपर है, एक सरफेस के ऊपर है तो हम ऑन का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट है द फिश इज इन द पोर्ट, फिश पोर्ट के अंदर है तो फिश इज इन द पोर्ट, हम इन का यूज करेंगे, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज होगा। इसी टाइप से बॉल जो है हमारी वो टेबल के नीचे है तो द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल जो है वो टेबल के नीचे है। देन नेक्स्ट है एप्पल जो है हमारा इन ट्रीज के बीच में है तो बीच के लिए हमने कौन सा यूज किया था वर्ड, बिटवीन, द एप्पल इज बिटवीन द ट्रीज तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो इस टाइप से हम बच्चों को इन, ऑन, अंडर और बिटवीन इन चारों वर्ड्स के बारे में समझा सकते हैं कि कैसे इनको प्रीपोजिशन की तरह यूज करना है। और जैसे कि ये एप्पल को इनके द ट्रीज के साथ जोड़ रहा है बिटवीन वर्ड तो ये नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है अदर वर्ड्स के साथ। जैसे ये पूरा सेंटेंस है और ये अदर वर्ड्स है, इसके साथ ये नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है बिटवीन हमारा, तो इस टाइप से प्रीपोजिशन जो है वो वर्ड नाउन को अदर वर्ड्स के साथ लिंक करते हैं। लाइक द बॉल इज अंडर द टेबल तो बॉल को टेबल के साथ जोड़ने का काम अंडर कर रहा है तो हमारा अंडर जो है वो प्रीपोजिशंस है। तो अब हमने प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ लिया है, अब इनके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करने का टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों को कुछ इस टाइप से फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में ये एक्सरसाइज दे सकते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन इन हेल्प बुक्स। ये हेल्प बुक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ प्रीपोजिशंस दी हुई हैं तो बच्चों को इन फिल इन द ब्लैंक में उन प्रीपोजिशन को फिल करना है उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि द गर्ल इज फिल इन द ब्लैंक द हाउस, तो लड़की घर के अंदर है तो हम इनका यूज करेंगे, द गर्ल इज इन द हाउस। द पिग इज फिल इन द ब्लैंक द ट्री, तो पिग जो है वो ट्री के अंडर है
ट्री के नीचे है तो हम अंडर का यूज करेंगे. द पिग इज अंडर द ट्री. नेक्स्ट है द कैट इज फिल इन द ब्लैंक द रूफ. तो कैट रूफ के ऊपर है तो हम ओन का यूज करेंगे. द कैट इज ऑन द रूफ. कैट जो है वो एक सरफेस के ऊपर है तो हम ओन का यूज करेंगे. द टाइगर इज फिल इन द ब्लैंक द केज. टाइगर केज के अंदर है तो हम इनका यूज करेंगे अंदर के लिए. द बॉक्स इज फिल इन द ब्लैंक द टेबल. बॉक्स टेबल के ऊपर रखा है तो हम ऑन का यूज करेंगे. नेक्स्ट है फ्रूट्स आर फिल इन द ब्लैंक द बास्केट. फ्रूट्स आर इन द बास्केट तो हम इनका यूज करेंगे. द चाइल्ड इज फिल इन द ब्लैंक द बस. चाइल्ड बस के अंदर है तो हम यहाँ पे इनका यूज करेंगे. अंदर के लिए हम इनका यूज करेंगे, नीचे के लिए हम अंडर का यूज करेंगे और बीच में हो तो बिटवीन. ओके तो इस टाइप से हम बच्चों को फिल इन द ब्लैंक देके उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं और नेक्स्ट हम उनको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन ये सेंटेंस दे सकते हैं और इसमें उनको बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करें. जैसे कि देयर इज ए रैबिट इन द पिक्चर. तो इसमें हमारा इन जो है वो रैबिट को पिक्चर के साथ ज्वाइन कर रहा है और इसकी पोजिशन के बारे में बता रहा है तो ये प्रीपोजिशन है. रीटा इज इन द रूम. तो रीटा रूम के अंदर है. इन उसकी पोजीशन को बता रहा है तो इन हमारा प्री पोजीशन है. वी लाइव ऑन द 9th फ्लोर. तो ऑन हमारा प्री पोजीशन है. मंकी इज हाइडिंग बिहाइंड द बॉक्स. मंकी बॉक्स के पीछे छुपा हुआ है तो बिहाइंड हमारा क्या है, प्री पोजीशन है. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर. गर्ल चेयर के ऊपर बैठी हुई है तो ऑन हमारा प्री पोजीशन है. An old man is sitting under the tree. तो एक old man tree के under बैठा हुआ है, tree के नीचे बैठा हुआ है तो under हमारा preposition है. तो इस type से हम बच्चों को preposition का topic करा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं और उसकी कुछ एक exercise करवा सकते हैं. Exercise से क्या होता है कि बच्चों का revision अच्छे से हो जाता है और उन्हें topic की अच्छे से जानकारी हो जाती है और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं वो उस टॉपिक को. तो इसीलिए अगर आप कोई भी टॉपिक बच्चों को कराते हैं तो उसके लिए उनकी एक्सरसाइज जरूर कराएं और प्रीपोजिशन कराने से पहले बच्चों को नाउन्स के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में बताएं. इस चैनल पे भी मैंने डिस्कस किया है नाउन्स के बारे में और प्रोनाउंस के बारे में. जब बच्चों को वो क्लियर हो जाए तो उनको प्रीपोजिशन के बारे में बताएं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में वीडियो आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस टॉपिक के लिए बोल सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल.